वाह भाई वाह, राधे राधे करो, राधे 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 करो आशीर्वाद। ढाबे भी बैठ जाओ। तो भक्तों बरसानों में पहुंच चुके हैं, आप भी मेरे साथ बोलिए राधे राधे, कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, वैसे भी बोल सकते हैं। ये देखिए बरसाना आ गया और मंदिर का द्वार खुलने में अभी वक्त है, अभी 4:30 बजे द्वार खुलते हैं, उस समय अभी 2:30 बजे होंगे मेरे ख्याल से, क्या देख ही लेता हूँ फोन में कितना समय हुआ, 2:30 भी नहीं बजे, 2:04, यानी कि हमें पूरे 2.5 घंटे इंतज़ार करना है कहीं पे, तभी कपाट खुलेंगे और यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम चलेंगे सीधा आगे जो है नंदगांव, है ना, आगे नंदगांव है बरसाना में, बरसाना से आगे और पीछे गोवर्धन था, ये गोवर्धन पर्वत वहीं पे है, अब वो कस्बा बन चुका है काफ़ी बड़ा, लेकिन हमने टिकट बरसाने की ले ली थी इसलिए हम वहाँ पे नहीं उतरे। ये वो रोड है सीधा राधा रानी मंदिर की तरफ जा रहा है, राधा जी का गांव है ये बरसाना, और हमारा ये सौभाग्य है कि हम यहाँ पे आ पाए। ये लस्सी तो यहाँ पे जगह जगह है, हर जगह पे आप ट्राई नहीं करना लस्सी, यहाँ पे तो मुझे ठीक ही लग रही है, साफ सफाई अच्छी है, लेकिन एक जगह पे ये किसी आश्रम के हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं, देखिए इस टाइम ना पैर नहीं टेक सकते आप जमीन पे, इतनी ज़्यादा गर्म है, लेकिन ये नंगे पैर जा रहे हैं, नंगे पैर जा रहे हैं, देखिए बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं जैसे कि सर्दी है, और ये नहीं है कि ये कुछ गरीब है या क्या है, ये बड़े बड़े घरों से, बड़े बड़े घरों के लड़के हैं, पढ़े लिखे काफ़ी वेल एजुकेटेड लड़के हैं ये। ये मार्केट है जी बरसाने की, इसी तरफ आगे जाके मंदिर है राधा रानी जी के, राधा रानी जी का, और यहाँ पे छोटे छोटे कान्हा जी, छोटे छोटे कान्हा जी की मूर्तियाँ, आपके आपको सभी धातु में मिल जाएंगी। द्वार खुलने में काफ़ी समय है, तब तक देखते हैं हम कहीं टाइम पास करना पड़ेगा कहीं पे जाके, और ये सामने दिखाई दे रहा है प्राचीन मंदिर सुदामा जी का, राधा रानी जी का मंदिर किस किस तरह सामने से सामने, कितने बजे खुलते हैं? 4:30 बजे। 4:30 बैठ जाए भाई चलाने के लिए। ये लस्सी है जी बरसाने में, और राधा रानी जी के मंदिर के ठीक सामने
और पास में सुदामा जी का मंदिर भी है, वो सब 4:30 बजे खुलेंगे। तो इसमें मक्खन भी डला हुआ है और केसर भी, तो पी के देखते हैं। ये चढ़ाई है जी राधा रानी मंदिर की, इसी में रख लो बाबू, मैया का चुन्नी उठ जाएगा, पूरा श्रृंगार हो जाएगा मैया का, कहीं से कुछ लेने का कोई कितने का पूरा श्रृंगार हो गया आपका, 80 रुपये 50 का चुन्नी तीस का, कहीं से कुछ लेने का कोई जरूरत गिनती करते हुए जा रहे हैं लोग भाई, कुछ महत्व होता होगा गिनती करने का, और इनकी गिनती में फर्क मिलेगा देखना, ये सारे गिनते हुए जा रहे हैं। राधे 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 बोल दो यार, पैड़ी छोड़ दो, आई एम सो सॉरी मम्मा, ऐसे नहीं बोला करते। राधे राधे, वाह बढ़िया चढ़ाई है, ये तो खतरनाक चढ़ाई है भाई, यहाँ पे तो वहीं से पार कर दे 2 मिनट में। एक फायदा तो है बरसाने वालों को, जिम में जाने की जरूरत नहीं है, सुबह शाम मंदिर में प्रसाद चढ़ाने आ जाओ, वेट आपका बढ़ेगा ही नहीं। हो जे किधर है तुम मूर्ख है ना, ये पहले यहीं पे चढ़ा दिया प्रसाद मेरे हाथ में, तो गिरा तेरे हाथ में, तो गिरा और मेरे हाथ में, तो गिरा और जी ये बरसाना सैर कर दियो। ये देखिए कितनी सुंदर जगह है,
और ये बरसाना शहर कितना सुंदर लग रहा है जी, फुल पैसे वसूल। देखिए पहाड़ी पे बना रखा है ये, ये देखिए सर जो ये राधा रानी जी का महल है। व्हाट्सएप कर दो तू जा बेटा। और ये शहर का व्यू है, ठीक है। ओ भाई तू इसको भी गिरा देगा, वहीं रुक जा, एक जगह रुक जा। इतना देर ज़्यादा खिंडा दिया रास्ते में। ये राधा रानी जी के महल से पूरा बरसाना शहर दिखता है, शहर नहीं कस्बा है, टाउन। ये पूरा व्यू आता है इसका। ड्रोन की जरूरत नहीं है यहाँ पे। पहला प्रसाद चढ़ाए फिर चलिए प्रसाद चढ़ा के आते हैं। पहुंच चुके हैं।
राधारानी जी के मंदिर में, अति अति अत्यंत सुंदर मनमोहक लुभावना मंदिर है। अभी मंदिर का एंट्री गेट खुला नहीं है, थोड़ी देर में खुलेगा। सात मरो यार, तेरे को नहीं पड़ जा रहा यार, तो क्यों नहीं आ केला देवी दर्शन करके लौटेंगे शनिचर को, रिमली को ले जाएंगे तो शनिचर ले आऊंगा, दुकान यहीं छुट्टी है। जब तक कबाड़ नहीं खुलेगा जब तक चलते रहेंगे।
सामने एक और मंदिर है, शायद कैमरे से की आंखों से ना दिखा दे लेकिन हमारी आंखों से दिखा देगा, क्योंकि कैमरा तो 14-15-60 मेगापिक्सल होता है, हमारी आंखों का रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, 300 मेगापिक्सल से ज़्यादा ही है, हम उतने दूर तक देख पाते हैं जितने दूर तक आधे कैमरे में देख पाते हैं। हाँ, सेटेलाइट वाले कैमरे वो तो पृथ्वी ऊपर से दिखा देते हैं, चलती हुई चीटी भी, उनकी तो बात ही अलग है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के इक्विपमेंट होते हैं वो। ये राधा रानी ने हल्का आपको फुल व्यू दिखा दिया, अभी द्वार खुलने वाला है, प्रसाद चढ़ा के हम आगे निकलेंगे।
कुछ राधा रानी मंदिर के बैक साइड में ये प्या हुआ है और यहाँ पे इतना ठंडा जल वितरित किया जा रहा है उनके बहुत और बहुत मेहनत का काम है। कमजोर आदमी तो ऐसे समझे लेकिन बिल्कुल शुभ तरीके से पानी पिलाया जा रहा है यहाँ पे बैक साइड में ये राधा रानी मंदिर के जब आप दर्शन करके बाहर निकलेंगे ना तब आपको ये दिखाई देंगे। वाह भाई वाह राधे राधे अच्छा राधे राधे करो बैठ जा बैठ जा सामने देखना इनकी तरफ मत देखना आशीर्वाद भी बैठ जाओ। ये राधा रानी से आगे कोई मंदिर है इसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है आगे जाके पता लगेगा ये किन का मंदिर है। राधे श्याम